Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम। आज 2 बजे के बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हफ्सा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको सबसे पहले लिए चलेंगे बुनेर, जहाँ इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। गर्मी में जिस तरह आपका जुनून इस गर्मी में मैं देख रहा हूँ, मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर से अच्छा, माशाल्लाह बुनेर में जो मैं इस्तकबाल देख रहा हूं परवेज खटक का, 4 साल की हुकूमत के बाद, तो परवेज खटक मैं आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने लोगों के लिए कुछ किया होगा तो आज आपके लिए लोग तालियां बजा रहे हैं। आपको मुबारक हो। अच्छा, अब नौजवानों, मैं सिर्फ 5 मिनट पहले मैं ये बताना चाहता हूं आपसे कि 2002 में मुझे मियांवाली के लोगों ने जिता के एक सीट जीती थी मैंने 2002 में, और मियांवाली के लोगों का मैं हमेशा शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं ये एक नए पाकिस्तान की ख्वाब पाकिस्तान में लेके जाऊं। और फिर 2013 में मैं पख्तूनख्वा के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, पख्तूनख्वा के लोगों ने मुझे मौका दिया कि जो ये तब्दीली का इनकलाब है ये हम पख्तूनख्वा से शुरू करें, और इंशाल्लाह 2018 में ये सारे पाकिस्तान में इनकलाब आएगा। इसका मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बुनेर में तो तब हमें इतनी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन मुझे आपको देख के लग रहा है कि इंशाल्लाह 2018 बुनेर तहरीक इंसाफ का होगा। अच्छा, मैं आपको नौजवानों आपको आपसे मैं ये सवाल पूछता हूं कि कौम अजीम कौम कैसे बनती है, एक कौम कैसे अजीम कौम बनती है। मुसलमान हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल पे चलता है। जैसे उन्होंने मदीना की रियासत को एक मिसाल बनाया और उधर से मुसलमानों का दुनिया में अरूज शुरू हुआ। थोड़े से अरब थे, एक तरफ दो बड़ी बड़ी कुव्वतें थी, एक तरफ रोमन एम्पायर, एक तरफ पर्शियन एम्पायर, तो दुनिया के अजीम लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने कौम का किरदार उठाया, लोगों को हक और सच पे खड़ा किया, अदल और इंसाफ का निजाम बनाया और अपने किरदार से कौम का किरदार ऊपर उठा दिया। ये कभी ना भूलें कि जो मुसलमान 700 साल तक दुनिया की अजीम पावर बने उसकी बुनियाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत पर रखी। कानून कोई उन्होंने पैसा बाहर से नहीं लेके आया, उन्होंने कोई जदीद हथियार नहीं ढूंढे, उन्होंने इंसानों के किरदार को उठाया। नौजवानों ये याद रखना, कौम तब उठती है
जब एक कौम अपना किरदार ठीक करती है, अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने कभी किसी कौम की हालत नहीं बदली जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। जब एक कौम अपने आप को तब्दील करती है, जिस कौम के लीडर सादिक और अमीन होते हैं, इंसाफ करने वाले, सच बोलने वाले, वो कौम फिर एक अजीम कौम बनती। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी पाकिस्तान की असेंबली ने एक कानून पास किया है, ये सुने जरा, कि हमारी असेंबली ने कानून पास किया है कि एक आदमी जो चोरी करे, एक आदमी जो झूठ बोले अदालत के सामने, असेंबली के सामने, एक आदमी जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाली कागज दे, एक आदमी जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाली कागज दे, जो चोरी करके इस कौम का पैसा मुल्क से बाहर लेके जाए, वो एक पार्टी का सरबरा बन सकता है। बुरेर के लोगों सोचो इसको कि ये मुल्क लाए लाए लला के नाम पे बना था, वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था, जिसका लीडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना अंग्रेजी में तकरीर करता था, लोगों को समझ भी नहीं आती थी क्या कह रहा है, लेकिन कौम कहती थी जो भी कह रहा है सच बोल रहा है। कहां कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कहां एक इलामा इकबाल की ख्वाब कि पाकिस्तान एक वो मुल्क बनेगा जो दुनिया के लिए मिसाल बनेगा कि हकीकी तौर पे इस्लाम क्या होता है, कत्ल और इंसाफ का निजाम, एक अजीम किरदार के लोग, हमने मिसाल बनना था। और कहां एक नवाज शरीफ जो इस मुल्क के ऊपर, सिर्फ उसने यह जुल्म नहीं किया कि इस मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके गया, सिर्फ यह जुल्म नहीं किया कि उसने इस मुल्क के इदारे तबाह किए, लेकिन सबसे बड़ा जुल्म यह किया कि कौम की इखलाकियात को तबाह किया, इखलाक की कदरें खत्म की और इस तरह का कानून बना दिया कि एक असेंबली ने, एक जमहूरी असेंबली कानून पास करती है कि एक मुजरिम, एक झूठा आदमी, एक चोर, एक डाकू एक पार्टी का सरबरा बन सकता है। तो बुनेर के लोगों, आप सब तैयार हो जाओ, आपको इंशाल्लाह मेरे साथ, मुझे लगता है फिर सड़कों पर निकलना पड़ेगा। इसलिए निकलना पड़ेगा, एक आदमी, एक खानदान अपनी चोरी, अपनी करप्शन को बचाने के लिए हमारे मुल्क को तबाह कर रहा है, हमारी कौम को तबाह कर रहा है, हमारे इदारे तबाह कर रहा है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले कर रहा है, जैसे कि पहले इसने डंडों से सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। अगर ये सुप्रीम कोर्ट को, अगर ये उसके फैसले को नहीं मानता और इसके वजीर नहीं मानते और जो कठपुतली प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है शाहिद खाकान अब्बासी, वो
वो ये कहता है कि एक नाहेल प्राइम मिनिस्टर जो मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया, वो कहता है कि ये अभी भी मेरा वजीर आजम है। शर्म करो शायद काकान अब्बासी, शर्म करो। मुझे ये बताओ कि आप जिन लोगों ने हाथ उठा के इसके लिए पहले कानून पास किया नवाज शरीफ के लिए, और फिर वो कन्वेंशन सेंटर में हाथ उठा के अपने पार्टी का सरबरा बनाया, मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं, जब आप घर जाएंगे और आप अपने बच्चों को क्या बताएंगे? क्या बच्चों को बताएंगे? कहेंगे बेटा चोरी करना बुरी चीज नहीं है, कहेंगे बेटी कौम का पैसा लूट के बाहर ले जाना कोई बुरी बात नहीं है, कहेंगे जनाब बच्चों मुल्क में चोरी होती है, जिस तरह वो हमजा शबाज ने कहा स्कूल में गया और स्कूल के बच्चों को कहता बच्चों मुल्क में करप्शन होती है, कोई फिक्र ना करो करप्शन होती है। ये मेरी बुनेर के लोगों याद रखो, कभी कौम में अगर हमला होता है शिकस्त दुश्मन देता है, अगर कौम पे बमबारी होती है, ये याद रखना कौम में कभी बमबारी से और शिकस्त हो जाए, अगर जंग में भी कौम तबाह नहीं होती, कौम तब तबाह होती है आप जब इखलाकी तौर पे कौम को तबाह करते हैं, जब बैठ जाओ। तो मैं नौजवानों बुरेर के जुनूनी टाइगरों, अब आपने मेरी बात सुनी है कि हमने पाकिस्तान ठीक कैसे करना है। सबसे पहले एक चीज, फैसला कर लो सारे, आगे से हमने जुल्म का मुकाबला करना है, हमने किसी करप्ट आदमी को इस मुल्क में इक्तदार में आने नहीं देना, हमने किसी को अपने इदारों को तबाह करने नहीं देना, और हमने सबसे बड़ी बात नौजवानों ये याद रखना कि ये जो करने जा रहा है नवाज शरीफ अपनी चोरी बचाने के लिए करप्शन बचाने के लिए, ये पाकिस्तान की फौज को बदनाम कर रहा है दुनिया में, और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट को बदनाम इसलिए कर रहा है कि अगर नैब के अंदर अदालत के अंदर इसको सजा हो जाती है मनी लॉन्ड्रिंग में। नौजवानों मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, क्या होती है मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग ये होती है कि पहले एक आदमी पैसा चोरी करता है, कौम का पैसा चोरी करता है। चोरी सुनो, आपके घर चोरी होती है, आपके घर को नुकसान होता है। करप्शन का मतलब कौम का पैसा चोरी होता है, वो पैसा जो आपकी तालीम पे लगता है, आपके अस्पतालों पे लगता है। अभी जो इतना बड़ा स्पासनामा पड़ा है कि हमें सड़कें चाहिए, हमें डिग्री कॉलेज चाहिए, जो सारी चीजें पानी चाहिए, ये सारे जो कौम का पैसा आपके पानी के लिए, स्कूल के लिए, सड़कों के लिए, कॉलेजेस के लिए, ये सारा पैसा
करप्शन से चोरी होकर बाहर चला जाता है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। पहले करप्शन यानी कि कौम का पैसा चोरी, और मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब वो पैसा चोरी होके मुल्क से बाहर जाता है, दुगना नुकसान होता है। पहले आपका पैसा चोरी, पहले पैसा चोरी, उसका नुकसान जो आपके सड़कों पे लगना, स्कूलों पे, अस्पतालों पे। फिर जब वो बाहर जाता है मुल्क से, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, उससे क्या होता है, डॉलरों की कमी हो जाती है, क्योंकि डॉलर लेके बाहर भेजते हैं। जब डॉलर की कमी होती है तो हमें आईएमएफ से कर्जा लेना पड़ता है। जब कर्जा लिया जाता है तो कर्जे की कीमत कौन अदा करता है, कौन अदा करता है? जब कर्जों की किस्तें देनी होती हैं, अवाम के ऊपर टैक्स लगते हैं। टैक्स कैसे लगते हैं? हर चीज जो आप खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है, वो महंगी हो जाती है। आज पाकिस्तान में बिजली और गैस सारे बर्रे सगीर से ज्यादा महंगी है। क्यों महंगी है? क्योंकि उसके ऊपर टैक्स लगते हैं। क्यों टैक्स लगते हैं? कि उन्होंने कर्जों की किस्तें अदा करनी है। टैक्स लगते हैं, महंगाई होती है, अवाम गरीब हो जाती है, अवाम गरीब हो जाती है। जो हमारे इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट करती है, उनकी एक्सपोर्ट्स टैक्स लगा के महंगी हो जाती है। वो ना हिंदुस्तान ना बांग्लादेश से मुकाबला नहीं कर सकती, हमारी एक्सपोर्ट्स गिरनी शुरू हो जाती हैं, मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं, और फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू होती हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो जो इन चोरों की, इन डाकुओं की, इनके डाकों की जो कीमत अवाम गुर्बत से अदा करती है, कौम गरीब हो जाती है। इन दोनों आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, इस कौम के दो सबसे बड़े डाकू, इनके आने से पहले डीजल दोनों में फिट हो जाता है, दोनों के साथ चल पड़ता है। डीजल का मैं आपको बताऊं, डीजल सुना सुना सुना, डीजल का ये है कि हम जब क्रिकेट में बैटिंग करते थे ना, तो उसके ये कहते हैं कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलता है, इधर भी और उधर भी। मौलाना फजल रहमान की सबसे बड़ी बात ये कि वो नाम तो सियासत इस्लाम के नाम पे करता है, पॉलिटिक्स इस्लाम के नाम पे करता है, और अपने जमीर की कीमत सिर्फ एक डीजल के परमिट पे लगा देता है। कहां कहां, आपको पता है सबसे बड़ा शिर्क क्या है? शिर्क क्या है? बुत परस्ती शिर्क। बुत परस्ती तो शिर्क है, लेकिन बुत जो मूर्तियां होती हैं उससे बड़ा एक और बुत होता है। जो इंसान अपने जमीर का सौदा करता है, अपने जमीर को पैसे के लिए बेचता है, इसका मतलब वो पैसे के बुत की पूजा करता है। जो खौफ से अपने जमीर को बेचता है, वो खौफ के बुत की पूजा करता है। नौजवानों, ला इला इल्लल्लाह इंसान को आजादी देता है, एक अजीम इंसान बना देता है। ला इला इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। याद रखना, ये ला इला इल्लल्लाह एक अजीम फलसफा है, छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देता है। तो जब जो भी अपने जमीर का सौदा करता है वो शिर्क करता है। इसलिए जब मौलाना, और मैं इसको मौलाना नहीं कहना चाहता, फजल रहमान, मैं
फिर से नौजवानों, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ 2008 में जब नहीं आए थे तो पाकिस्तानियों के ऊपर कितना कर्जा था, हर पाकिस्तानी पे कितना कर्जा था, 35,000 रुपया। इनके 9 साल के बाद हर पाकिस्तानी पे कितना कर्जा है, 1,20,000 रुपया। अब सोचें कि ये जो कर्जा हम पे चढ़ा है, ये पैसा किधर गया, क्या हुआ इस पैसे से? ये पैसा पाकिस्तान की आवाम पे नहीं लगा, ये जो तारीखी कर्जा लिया गया ये इनकी जेबों में गया। नवाज शरीफ भी अरबपति, शहबाज शरीफ भी अरबपति, उनके बच्चे भी अरबपति, शहबाज शरीफ के बच्चे अरबपति, नवाज शरीफ के बच्चे अरबपति। उसको बंद करें, इसको इसहाक डार वो भी अरबपति, उसका बाप साइकिलों की दुकान चलाता था, आज अरबपति है, उसके बच्चे भी अरबपति। साइकिलों की दुकान चलाना कोई बुरी चीज नहीं, मेहनत कश इंसान वो है जो अल्लाह के करीब है, जिसकी मैं इज्जत करता हूं, लेकिन जो अवाम का पैसा लूटता है वो मेरा भी और वो पाकिस्तानियों आपका भी दुश्मन है। वो जब आपका पैसा लूटता है तो वो इस कौम के बच्चों को, उनका उनका खाना पीना लूटता है। आपको पता है 45% पाकिस्तान के बच्चे, उनको एक बीमारी है जिसको कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ, मतलब कि क्योंकि उनको हम खुराक पूरी नहीं देते, ना उनका जेहन पूरी तरह बनता है और ना वो कद पे पूरी तरह पहुंचते। 45% पाकिस्तान के बच्चे, अब ये सोचे ये सोचे कि कितना बड़ा जुल्म है कि हम अपनी आधी आबादी, आधे बच्चे इस मुल्क में, उनको हम मौका ही नहीं दे रहे कि वो आगे बढ़ सके, सिर्फ इसलिए कि जो खाना इस माशरे ने उन बच्चों को देना था वो ये थोड़े से लोग वो पैसा चोरी करके बाहर ले गए। जब पैसा बाहर जाता है दुगना नुकसान हो, एक तो डॉलर की कमी हो जाती है, कर्जे लेने पड़ते हैं, दूसरा जो पैसा आवाम यहां खर्च होना चाहिए वो बाहर खर्च होता है। 1,000 अरब रुपया पाकिस्तान का बाहर जाता है हर साल मनी लॉन्ड्रिंग में, 1,000 अरब रुपया। वो 1,000 अरब रुपया अगर पाकिस्तान में खर्च हो जाए तो यहां नौजवानों आपको नौकरियां मिलेंगी, यहां काम होगा, यहां फैक्ट्रियां बनेंगी, यहां सड़कें बनेंगी, यहां स्कूल बनेंगे। वो आपका पैसा जब बाहर चला जाता है तो बाहर के लोगों को फायदा होता है। वो क्यों बाहर लेके जाते हैं? वो इसलिए बाहर लेके जाते हैं कि जब पैसा इतना चोरी करें अगर वो पाकिस्तान में रखेंगे वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उनको मुल्क से बाहर ले जाना पड़ता है। और नवाज शरीफ, मुझे क्यों निकाला, वैसे क्यों निकाला इसको, क्यों निकाला इसको? नवाज शरीफ आज पाकिस्तान के अदलिया पे, पाकिस्तान की फौज पे ये जो हमले कर रहे हैं, और ये और इसके वजीर, इसका सिर्फ एक मकसद है कि मनी लॉन्ड्रिंग से की सजा से बच जाए। क्योंकि अगर नवाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की सजा हो गई पाकिस्तान में तो इसका सारा पैसा, बैंक अकाउंट, महलात सब फ्रीज हो जाएंगे, वो बेचे जाएंगे और वो पैसा पाकिस्तान आएगा। इसलिए ये पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह ये बच जाए।
इसलिए कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह फौज अंदर घुसाए, क्योंकि ये अपने आप को बचाने की, मुल्क को तबाह कर देगा, अपने पैसे को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए बुनेर के नौजवानों तैयार हो जाओ, अगर इसने ये किया हम इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर हो गए, और हम ये कामयाब नहीं होने देंगे इसको कि हमारे मुल्क का निजाम खत्म करे। जो नया पाकिस्तान है वो क्या है, मैं आज आपको मुख्तसर बता देता हूं कि जो नया पाकिस्तान वो कैसे बनेगा। सबसे पहली चीज, नए पाकिस्तान में मेरिट होगी। इंसाफ के दो तरफ होती हैं, एक इंसाफ का मतलब अदालती इंसाफ, दूसरी इंसाफ का मतलब मेरिट। हर इंसान को उसका हक मिले, जो मेहनत करे वो ऊपर जाए। सिफारिशी सिस्टम